हेलो एवरीवन, दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आपका घरेलू गुलाठी के इस वीडियो में। आज हम आपके लेकर आए हैं बहुत आसान नुस्खा। जी हाँ दोस्तों, ये है, सिर्फ पानी में आपको ये भाजियाँ बिना मिट्टी के आप अपने घर पर उगा सकते हैं। बिना मिट्टी के इन चीज़ों को अपने घर पर आप लगा सकते हैं। इन चीज़ों को आप अपने घर पर जो चीज़ें इस्तेमाल होती है, आइए जानते हैं कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं। पहला है दोस्तों गेहूँ, मेथी, चना, सरसों। जी हाँ दोस्तों, एक बार और सुन लीजिए, गेहूँ है हमारा, हरा धनिया है, सरसों है, सरसों तो आप और हम सभी के घर में होती है, वहीं दोस्तों मेथी दाना यानी कि मेथी की जो भाजी होती है वो भी आप अपने घर पर लगा सकते हैं। चने की जो भाजी है, चने की भाजी भी हम हमारे घर पर लगा सकते हैं, लेकिन लगाने की सही विधि क्या है, आइए जानते हैं कैसे आप इसे अपने घर पर अपने हाथों से लगा सकते हैं और आखिर इसकी विधि क्या क्या है, ये आज हम आपको बताएंगे। पहला है दोस्तों चना आपको लेना है। करना क्या है, चना आपको पानी में भिगो देना है 6 घंटे। उसके बाद में फिर एक साफ़ तौलिए से पोंछ कर एक टोकरी में आप रख दीजिए और नीचे पानी रख दीजिए। आप देखेंगे 30 दिन में भाजी लगेगी। दूसरा है दोस्तों मेथी। मेथी का इस्तेमाल भी आपको पानी में भिगो लेना है मेथी, और एक डलिया में रख कर कपड़ा से ढक कर और उसे रख दीजिए, तैयार हो जाएगी। अब तीसरा है दोस्तों हरा धनिया। इसे भी भिगो कर एक डलिया में रख कर आप रख दीजिए, ऐसा करने से आपकी तैयार हो जाएगी। सरसों का भी सेम आपको करना है। आपको करना क्या है दोस्तों, एक उसमें पानी डाल दीजिए और उसमें सरसों डालकर आप देख लीजिए, फ़ायदा होगा। दोस्तों गेहूं, जी हाँ दोस्तों, आपको गेहूं को भिगा कर रख देना है। एक डलिया में आपको जो गेहूं है वो डाल दीजिए और रोज़ाना पानी का स्प्रे अगर आप करते हो, नीचे आप पानी की तपेली रख दीजिए, आप देखेंगे कि आपके गेहूँ भी तैयार होंगे। थैंक यू सो मच।